दिल्ली में रोनी जिले के अलीपुर थाना को मिली बड़ी कामयाबी। 9,90,000 की रोबरी करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। 17 दिसंबर की रात अलीपुर की परमानंद कॉलोनी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक जोरी के बेटे को गोली मारने की धमकी देकर उसकी स्कूटी की डिग्गी से 9,90,000 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाद में आरोपी हवा में 4 से 5 गोलियां चलाकर फरार हो गए। वारदात में शामिल 4 आरोपियों को अलीपुर पुलिस और ईटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान दीपक उर्फ मोनू, दीपक उर्फ कल्लू नरेंद्र और चेतन उर्फ संजय के रूप में हुई। आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से 6,05,000 की नकदी, 2 बाइक और 3 पिस्टल व 13 कारतूस जब्त किए। लूट की रकम में से आरोपियों ने पिस्टल व कारतूस खरीदे थे। लूट का मकसद एक गैंगस्टर के साथी को मारना था। पकड़े गए आरोपियों में गोगी गैंग के साथी भी है, जबकि गोगी दिल्ली से फरार है, जिसकी दिल्ली पुलिस को एक मोस्ट गेस्ट टीचर की हत्या करने के मामले में सरगर्मी से तलाश है। जानकारी के मुताबिक अलीपुर की परमानंद कॉलोनी में अशोक वर्मा परिवार के साथ रहते हैं। उनके घर से कुछ ही दूरी पर वर्मा जोरिन नाम से दुकान है। 17 दिसंबर की रात करीब 9 बजे उन्होंने दुकान बंद की। उनका बेटा अंकित स्कूटी की डिग्गी में 9 लाख लेकर घर।